हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एस अकेडमी जगह। तो हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसे हम लोग BITB कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस कॉलेज का फुल इन डेप्थ रिव्यू करेंगे और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या इसमें आपको एडमिशन लेना वर्थ इट होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है, किसी तरह का भी सजेशन चाहिए, तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पर फॉलो करके मुझे आप DM कर सकते हैं। मैं खुद आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ, मैं खुद आपके सारे मैसेजेस को रिप्लाई करता हूँ। तो जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और अपने मैसेज कीजिए मुझे। मेरा इंस्टा आईडी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ASH4TimesU-10। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो मैं भी आपको जो भी कॉलेज का मैं रिव्यू करूँगा उनका मैं एक PDF आपको दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं पूरे PDF को। ठीक है, पूरे कॉलेज रिव्यू को, ठीक है, जिस PDF को मैं रिव्यू कर रहा हूँ, जिस मैंने खुद बनाया है इसे, तो जिसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ, जिस जो जो डाटा है उसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करने वाले हैं बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, फुल इन डेप्थ रिव्यू करेंगे और यहाँ पे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसमें आपको एडमिशन लेना वर्थ इट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक्स इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। कैंपस के बारे में बात करेंगे, रैंकिंग के बारे में बात करेंगे, फिर कोर्सेज क्या क्या मिलता है इस कॉलेज में उसके बारे में बात करेंगे, फिर एलिजिबिलिटी फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BTEC जिसे हम कहते हैं उसके बारे में, फिर कोर्सेज अंडर BTEC, फिर सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, फी के बारे में बात करेंगे, प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। फिर मैं आपको 4 साल का हॉस्टल फी और अकेडमी फी दोनों मिला बता दूंगा कि कितना लगने वाला है आपका लगभग, और प्लेसमेंट बताऊंगा आपको डिटेल में कि प्लेसमेंट कैसा है इस कॉलेज का, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, सब कुछ, प्लेसमेंट परसेंटेज सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, और कुछ कुछ स्टैटिस्टिक भी दिखा दूंगा उसका, मैं बताऊंगा कि उस हिसाब से कि आप इसमें कितना खर्च कर रहे हैं, कितना आपको आउटकम मिल रहा है, उस हिसाब से एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कैंपस के बारे में। कैंपस इसका जो है 1979 में बना था, बैंगलोर कर्नाटका में है, प्राइवेट है, ऑटोनोमस है और विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, AICTE NBA अप्रूव्ड है। इसका कैंपस 5 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि ज्यादा बड़ा कैंपस एरिया तो नहीं है, बट एक वहाँ 5 एकड़ में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे कैंपस में थोड़ा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा कैंपस मुझे चाहिए, अच्छा कैंपस चाहिए मुझे कॉलेज में, तो ये कैंपस में थोड़ा पीछे आता है, मतलब कैंपस में उतना बड़ा इसका कैंपस है नहीं, छोटा सा ही कैंपस है। ठीक है, बच्चों ने भी रिव्यू दिया तो बोला उन्होंने कि कुछ बड़ा कैंपस नहीं है, बहुत छोटा सा कैंपस है। ठीक है, ग्राउंड के नाम पर भी एक छोटा सा आगे में ग्राउंड है जिसमें सब कुछ मैनेज किया जाता है, उतना बड़ा कैंपस है नहीं इसका। ठीक है, तो उसमें आपको देखना होगा, उसका आपको ध्यान देकर चलना होगा। तो लाइब्रेरी जिसमें आपको मिल जाता है, इसमें हॉस्टल मिल जाता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, लैब मिल जाता है, कैफेटेरिया मिल जाता है, ऑडिटोरियम मिल जाता है, रोट्रैक्ट क्लब मिल जाता है, फिर टेडेक्स एंड क्यूज क्लब मिल जाता है, सेमिनार हॉल मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके कैंपस में मिल जाता है। टेडेक्स भी यहाँ होता है, क्यूजेस भी होते हैं बहुत सारे, तो ये सभी चीज़ें यहाँ होते हैं, क्लब वगैरह भी सब कुछ होता है। ठीक है, अब बात करें अगर कुछ कैंपस के पिक्चर्स के बारे में, तो ये कुछ कैंपस के पिक्चर आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे देखिए इसमें कबड्डी का गेम हो रहा है, तो कबड्डी का जो मैट है वो छोटा सा जो आगे एरिया है उसी में लगाया गया है, तो उसी तरह का कुछ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसमें आपको मिलता है। ठीक है, तो यही एक छोटा सा स्पोर्ट ग्राउंड जिसे हम लोग कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एक 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 बचा हुआ एरिया है उसी को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बदला जाता है, उसी को स्पोर्ट्स एरिया में बदला जाता है। ठीक है, मैट वगैरह लगा के, तो इसी तरह का कुछ आपको कैंपस देखने को मिलेगा। बाकी आप इसका वर्चुअल टूर इसके साइट पर ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर भी बहुत सारा वीडियोज़ आपको इसका कैंपस टूर का मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ और पिक्चर दिखाता हूँ, ये आपको सेमिनार हॉल हो गया। ठीक है, तो ये भी कुछ बड़ा सा नहीं है, ये भी छोटा सा ही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बच्चों का रिव्यू आया है कि इसका कैंपस उतना बड़ा है नहीं, कैंपस एक स्कूल जैसा ही है, तो कैंपस में थोड़ा आपको यहाँ पे डिसएडवांटेज हो सकता है इस कॉलेज में। बाकी हम लोग आगे बात करते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ फी वगैरह का सब कुछ बारे में कैसा है। ठीक है, NRF रैंकिंग अगर बात करें तो इसको 201 NRF रैंकिंग मिली है इस ईयर, मतलब जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि NRF के अंदर में आती है, जो कि NRF रैंकिंग के अंदर में आती है, उनमें से इसको 201 पे रखी गई है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कोर्सेज अवेलेबल, कौन कौन से कोर्सेज आप इस कॉलेज में कर सकते हैं, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जिसे हम लोग BTEC भी कहते हैं, MCA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, MTEC कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, ये सारे कोर्सेज आपको इस कॉलेज में मिलता है। ठीक है, इस सारे में कोर्सेज में से किसी में भी आप कर सकते हैं। मैं अब यहाँ बात करने वाला हूँ बेसिकली बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का, फिर BTEC के बारे में। ठीक है, हम लोग सारा कुछ इसके बारे में बात करेंगे। अगर बात करें हम लोग एलिजिबिलिटी फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BTEC के बारे में, मतलब इसमें आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए, और इसमें एडमिशन कैसे होता है, किन किन एग्जाम से होता है, तो 10+2 आपको पास होना होगा किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से, 45% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए PCM में कम से कम। ठीक है, कॉम्पिटिटिव से इसमें एडमिशन होता है, KCET होता है, JEE मेंस होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं तो आपको कर्नाटका से बाहर के हैं बच्चे, तो अगर आपके लिए कॉम्पिटिटिव है, अगर आप कर्नाटका के बच्चे हैं तो आपके लिए KCET है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव कर्नाटका वाले बच्चे भी देते हैं, और KCET जो है सिर्फ कर्नाटका वाले बच्चों के लिए, बाकी आप JEE मेंस से भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बीटेक के अंदर कौन कौन से कोर्सेज मिलता है, कोर्सेज अंडर बीटेक, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलता है, जैसे हम लोग सीएससी भी करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, यहाँ से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आईएससी जिसे हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे मशीन लर्निंग होगा, इंजीनियरिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लर्निंग होगा, तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि एआई एंड मशीन लर्निंग भी यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे कोर्सेज आपको इस कॉलेज में मिल जाता है इंजीनियरिंग के अंदर, बीटेक के अंदर, इसमें से आप कोई भी कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। बाकी हम लोग कट ऑफ का आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बात करें सीट मैट्रिक्स की, तो 180 सीट कंप्यूटर साइंस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी 180 सीट्स है, और आईएससी में इंफॉर्मेशन साइंस में भी 120 सीट है, ठीक है। तो इस तरह को सीट मैट्रिक्स मिल जाता है जिसमें आपको 45% लगभग के सीट का होता है, तो कुछ सीट जिसे रिजर्व होता है के सी टी का, कुछ कमेटी का, कुछ मैनेजमेंट कोटा का, तो 45% कमेटी के सी टी वालों का, 30% होता है कमेटी के वालों का, और बाकी जो 25% बचा वो हो गया मैनेजमेंट कोटा का। तो इस तरह से कुछ सीट डिवाइडेड होता है इसी में से, तो 30% 180 का 30% जो है वो आपको मिलेगा कमेटी के से अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो, बाकी 45% के सी टी से अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको मिलेगा, बाकी अगर मैनेजमेंट कोटा से आप एडमिशन ले रहे हैं तो 25% सीट जो है वो आपके लिए है, उसमें से आपको एडमिशन होगा, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं हॉस्टल के बारे में, तो सेपरेट हॉस्टल मिल जाता है बॉयज़ और गर्ल्स का, जिसमें आपको शेयर्ड ऑक्यूपेंसी मिलता है सिंगल, जहाँ तक मुझे पता चला कि सिंगल ऑक्यूपेंसी का यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ शेयर्ड ही डबल ट्रिपल फोर भी और इवन फाइव भी मिलता है, ठीक है। बाकी हमको सिंगल ऑक्यूपेंसी का मुझे यहाँ पे कुछ डेटा नहीं पता चला सिंगल ऑक्यूपेंसी है या नहीं है, बट जहाँ तक मुझे पता चला वहाँ तक पता चला कि डबल ट्रिपल फोर और फाइव ऑक्यूपेंसी वाले ही है। बाकी अगर आपको पता करना है तो आप इसके साइट पर जाकर कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल ऑक्यूपेंसी है या नहीं हॉस्टल में, ठीक है। मेस इसमें आपको मिल जाता है जो कि वेज और नॉन वेज फूड दोनों मिल जाता है, जिसमें आपको आप कोई भी ले सकते हैं, वाईफाई मिल जाता है, इंडोर एंड आउटडोर गेम मिल जाता है, फिर लाइब्रेरी मिल जाता है, तो ये सारे फैसिलिटीज आपको हॉस्टल मिल जाता है। बॉयज हॉस्टल की अगर बात करें तो वो इन कैंपस से, गर्ल्स हॉस्टल जो है वो ऑफ कैंपस से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है, ये मुझे पता चला बच्चों के द्वारा। तो अगर आप बच्चे के रिव्यू बात कर लें कि जो हॉस्टल में रहते हैं उनका, जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनका, तो उन्होंने बताया कि हॉस्टल जो है वो काफ़ी अच्छा है, बिल्डिंग थोड़ा पुराना है बट हाल ही में रिनोवेट हुआ है, और खाना क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, और सब कुछ जो मेंटेन किया जाता है, हाइजीन वगैरह सब कुछ अच्छे से मेंटेन किया जाता है, तो कुछ हॉस्टल में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको, ठीक है। बट वही एक प्रॉब्लम होगा कि जैसे आप गर्ल्स हॉस्टल लेंगे थोड़ा दूर में पड़ेगा आपको, बट बॉयज हॉस्टल में उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, और थोड़ा बिल्डिंग पुराना टाइप का लगेगा बट उसका रूम जो है वो अच्छे से मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। ये बात रहा हमारा हॉस्टल का। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कट ऑफ के बारे में, कॉमेडी कट ऑफ का मैं बात करूँगा 2018 और 2019 का, तो राउंड टू का मैं बात करूँगा जहाँ पे रैंक क्लोज हुआ था, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस अगर बात करें 2018 की, तो 3652 पे क्लोज हो गया था, इंफॉर्मेशन साइंस गया था 4649, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन गया था 9437। तो देख सकते हैं कट ऑफ कितना ऊपर में ही क्लोज हो जाता है इसका, ठीक है। अगर वहीं 2019 की बात करें, 2019 का, तो कंप्यूटर साइंस गया था 2797, इन्फॉर्मेशन गया था 3819, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन गया था 8037। तो इसका कट ऑफ और भी कम में ही क्लोज हो गया 2019 में, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक एस्टिमेट दूं, तो अगर आपको इस बार लगभग 4000 रैंक भी है तो उसका इस कॉलेज आपको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस में से, आपको इन्फॉर्मेशन साइंस 5000 तक मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 10000 तक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना एस्टिमेट लगा लीजिएगा। अब अगर हम बात करें फी के बारे में, तो अकेडमी फी सच पर बात करेंगे हम, तो अकेडमी फी तो वैसे आप देखिएगा कॉमेडी के साइड पे तो वो 2,01,960 रुपीज़ बताई गई है पर ईयर, बट वो सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा तो वो सिर्फ ट्यूशन फी है, एक्स्ट्रा फी उसमें नहीं बताया गया। तो मैंने कॉन्टैक्ट किया, मुझे पता चला कि एक्स्ट्रा फी सब कुछ मिलाकर, एक्स्ट्रा फी वगैरह यूनिवर्सिटी फी, एग्जामिनेशन फी सब कुछ मिलाकर आपको पर ईयर जो पड़ता है वो 2,29,000 पड़ता है, तो 2,29,000 पर ईयर पड़ेगा, और 4 साल का आपको पड़ जाता है 9,16,000, तो 4 साल में जो है आपको 9,16,000 पड़ जाएगा इसका आपको अकेडमी फी। अब हम बात कर लेते हैं आप हॉस्टल फी की, तो हॉस्टल फी आपको 1 लाख पर ईयर पड़ जाता है, जिसमें आपको मेस फी सब कुछ इंक्लूडेड है, तो इसको 4 साल मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 लाख आ जाएगा 4 साल का हॉस्टल फी, ठीक है। ये 4 साल का हो गया हॉस्टल फी हमारा, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा अकेडमिक फी था 9,16,000 और यहाँ आया 4 लाख, तो 9,16,000 9.16 लाख को यहाँ पे 4 लाख से हम ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 4 साल का अकेडमी फी और हॉस्टल फी दोनों मिला के, जो कि हमारा आता है 13.16 लाख, मतलब 13,16,000 आपको आ जाता है 4 साल का हॉस्टल फी और अकेडमी फी दोनों मिला के, ठीक है। इतना फी आपको लग जाएगा 4 साल का, ठीक है।
तो अगर आपको मैं एक एस्टिमेट बताऊँ तो 13,20,000 के लगभग आपको पड़ जाएगा 4 साल का, ठीक है। तो उतना फी है भी नहीं, ठीक ठाक है फी, ठीक है। अब हम बात करें अगर प्लेसमेंट की यहाँ पे, तो प्लेसमेंट परसेंटेज है इस कॉलेज का 70% रहता है लगभग। जितने बच्चे एलिजिबल होते हैं प्लेसमेंट के लिए उसमें से 70% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें इस ईयर की जो लगा वो 13.5 लाख पर एनम लगा, और जो एवरेज पैकेज रहा वो 6.5 लाख पर एनम रहा। तो हाईएस्ट पैकेज तो कोई इतना ज़्यादा है नहीं एडवांस, कोई ज़्यादा हाईफाई नहीं है कि 50 लाख 40 लाख लग गया, बट 13.5 लाख लगा तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। बट अगर एवरेज पैकेज देखिए तो वो डिसेंट है, काफ़ी बेहतर है। 6.5 लाख पर एनम एवरेज पैकेज होना काफ़ी बेहतर रहता है। और इस अगर आप कंप्यूटर साइंस देखिए तो 7 to 7.5 लाख तो होगा ही होगा एवरेज पैकेज, ठीक है। तो एवरेज पैकेज काफ़ी बेहतर है और प्लेसमेंट परसेंटेज भी ठीक ठाक ही है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है अच्छे प्लेसमेंट निकालने में। इस कॉलेज में मिनिमम टू मिनिमम आप 7 लाख निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, आपको अच्छे फैकल्टी ये सब भी अच्छे हैं वहाँ, पढ़ाई का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी अच्छा है। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वहाँ उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कैंपस उतना बड़ा है नहीं और उतनी चीज़ों पर उतना ध्यान दिया नहीं जाता। बट वहाँ पढ़ाई और प्लेसमेंट का जो है वो काफ़ी बेहतर ध्यान दिया जाता है और काफ़ी बेहतर रिकॉर्ड रहता है वहाँ पढ़ाई वगैरह सब कुछ का, फैकल्टी ये सब कुछ अच्छे हैं। तो उस हिसाब से देखिएगा तो ये कॉलेज काफ़ी बेहतर है। अब आगे हम कुछ और स्टैटिस्टिक और बात कर लेते हैं प्लेसमेंट का। तो प्लेसमेंट डिटेल्स ऑफ द ईयर 2016-2020, मतलब 2016 से 2020 तक का प्लेसमेंट डिटेल दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है स्टूडेंट्स एलिजिबल डार्क में जो है, सबसे डार्क में वो स्टूडेंट एलिजिबल कितने थे उसके बारे में बताया गया ग्राफ में। उससे कम डार्क वाला में स्टूडेंट प्लेस्ड, फिर सबसे कम में मतलब सबसे लाइट वाले में नंबर ऑफ ऑफर्स, ठीक है। तो जैसे देखिए 982 बच्चे जो है वो एलिजिबल थे 2020 में, जिसमें 408 बच्चे प्लेस्ड हुए और ऑफर था 524। तो 524 में से 408 बच्चे जो है वो प्लेस्ड हो गए और 982 बच्चे प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किए थे, जिसमें से सिर्फ 408 बच्चे ही प्लेसमेंट हो पाए, ठीक है, हो पाया उनका, ठीक है। तो अगर 2019 की बात की जाए तो 976 बच्चे प्लेसमेंट के लिए किए थे, यहाँ पे एलिजिबल हुए थे, जिसमें से 479 का ही प्लेसमेंट हो पाया और 62 ऑफर थे। तो प्लेसमेंट का ऑफर बहुत ज़्यादा आता है, वो आप पे है कि आप ग्रैब कितना करते हैं, तो आपके टैलेंट पे निर्भर करता है, ठीक है। देख सकते हैं आपको प्लेसमेंट जो है जितना बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं उससे ज़्यादा ऑफर रहता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा आप कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेहनत करने वाले हैं, एवरेज से थोड़ा बढ़कर बच्चे हैं आप, एवरेज से ज़्यादा आप मेहनत करते हैं थोड़ा, तो आपको अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। मिनिमम आपको एवरेज जो है वो 7 लाख तो आराम से लग ही जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब का लेकर क्लियर रहेगा उस बात को लेकर। अगर कुछ और डेटा की बात करें तो ये जो है बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर ऑफर्स ड्यूरिंग 2019-2020, मतलब लास्ट मतलब इस ईयर जो प्लेसमेंट हुआ उसका ऑफर के हिसाब से दिखाया गया। तो देखिए जैसे IBM है, तो IBM ने 5 इंटर्नशिप दिए, ठीक है। इंटर्नशिप आपके यहाँ मिलता है, जैसे अगर बात करें हम लोग डेल का, तो 5 इंटर्नशिप दिए और 5 ऑफर भी दिए। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे इसका देखिएगा एक्सेंचर का 167 ऑफर दिया था इन्होंने, ठीक है। तो ये सारे मिलाकर 562 ऑफर मिला और 56 इंटर्नशिप मिला। आज स्टिल इन प्रोग्रेस, मतलब जब ये डेटा अपलोड किया गया तब से प्रोग्रेस में ही है, मतलब और डेटा बढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये डेटा रहा कुछ कितना ऑफर मिला उसके हिसाब से। अभी देख लीजिए कितना कंपनी आता है, देखिए यहाँ पे ये सारी कंपनी जो है इस कॉलेज में आते हैं आपको, जैसे अमेजन हो गया, विप्रो हो गया, एक्सेंचर हो गया, HCL हो गया, HSBC हो गया, इन्फोसिस हो गया, बॉस हो गया, ये सारी कंपनी इस कॉलेज में आते हैं, ठीक है। ऑफर आपको भरपूर मिलता है, बट आप पे है कि आप कितना ग्रैब करते हैं उस ऑफर को, ठीक है। अगर हम कुछ और ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देख लें इस ईयर का, तो जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखिएगा तो 148 बच्चे जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से प्लेस हुए सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का देखिएगा 137 बच्चे प्लेस हुए, कंप्यूटर साइंस के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ही है 137। अब उसके सब उसके बाद देखिए अगर इन्फॉर्मेशन का 52 बच्चे ही प्लेस हुए, ठीक है। तो इस हिसाब से इस तरह का कुछ ब्रांच वाइज प्लेसमेंट रिकॉर्ड है यहाँ पे। तो ये हमारा बात हो गया सब कुछ इस कॉलेज के बारे में, प्लेसमेंट फी कैंपस के बारे में, रैंकिंग के बारे में, सब कुछ के बारे में। तो यहाँ पे आप लगभग से 13.5 लाख के करीब मान लेते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 13,20,000 आप खर्च कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज है 7 लाख पर एनम। तो अगर आप कैंपस को देखना चाहते हैं, कैंपस आपके लिए मैटर करता है कॉलेज में, तो आपके लिए कॉलेज नहीं है। यहाँ पे कैंपस बहुत छोटा मिलता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत कम होते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा फेस्ट वगैरह होगा, वो भी उतने बड़े नहीं होते हैं। बट तो वैसे तो सारे कॉम्पिटेटिव कॉलेज में उतना बड़ा फेस्ट नहीं होता है, बट इसमें जो है उतना बड़ा इसमें उसमें भी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको कैंपस मैटर करता है, नहीं आपको बड़ा बिल्डिंग चाहिए, आपको मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज़्यादा चाहिए, थोड़ा इन्जॉय करना है, तो वो यहाँ पे आपको थोड़ा डिसएडवांटेज है इस कॉलेज में। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, अगर आपको बड़ा कैंपस चाहिए, बड़ा एरिया कैंपस चाहिए, सब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सब ज़्यादा चाहिए, तो आपके लिए कॉलेज नहीं है। वैसे अगर आप पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो ये कॉलेज काफ़ी बेहतर है। तो अगर आपके लिए प्लेसमेंट मैटर करता है सिर्फ, बाकी उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कुछ भी, तो आपके लिए कॉलेज बहुत है, अच्छा है, और इसमें आपका एडमिशन लेना वर्थ इट होगा, ठीक है। तो अगर मैं अपने ओपिनियन दूँ
तो जैसे देखिए कॉमेडी या किसी भी कॉलेज को देखिएगा तो उतना बड़ा कैंपस नहीं होता है, उतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होते, फेस्ट भी उतने बड़े बड़े नहीं होते, फेस्ट होंगे भी तो नॉर्थ इंडियन वाले बच्चों के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो जो भी होता है वो साउथ इंडियन वाले बच्चों के लिए होता है, कन्नड़ में और जो भी तेलुगु वगैरह में जो भी होता है, हिंदी में बहुत कम होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे फेस्ट हुआ तो उसमें ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस होंगे, ज़्यादातर जो चीज़ें होंगी वो कन्नड़ से रिलेटेड होंगी, साउथ से रिलेटेड होंगी, और कुछ पार्ट जो होगा वो नॉर्थ इंडियन का होगा। तो जो मेजोरिटी होता है उसे हम लोग ध्यान देते हैं, तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्थ इंडियन के लिए उतना ज़्यादा नहीं होता है वहाँ कुछ भी। ठीक है, तो उस बात को अगर आप ध्यान रखते हुए कहिएगा तो मैं आपको बोलूँगा कि इस ये कॉलेज आपको एडमिशन लेना वर्थ इट जरूर है, इसे आपको एडमिशन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि प्लेसमेंट जो है वो इसमें काफ़ी बेहतर आपको मिलता है। एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट ही मैटर करता है, और आप कितना वहाँ से ग्रैब कर रहे हैं वो मैटर करता है, कितना आपको वहाँ दिया जा रहा है, कितना अच्छा पढ़ाई हुआ दिया जा रहा है, तो उन सब मामले में काफ़ी बेहतर है, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और कैंपस में थोड़ा पीछे पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आप क्लियर हो गए होंगे कि आपको किस बेसिस पर आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए। तो सिर्फ आपको इसमें पढ़ाई के बेसिस पर आपको एडमिशन लेना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सब कुछ अलग रख दीजिएगा, क्योंकि इसमें उतना जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ज़्यादा इसमें आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है, या फिर आप मुझे इंस्टा DM कर सकते हैं। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल बनाया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।